तमाम लोकेशन शूट है और आज कहाँ तक शूट गई है और कब तक कंप्लीट होने वाली है और कब तक लोगों को ये फिल्म देखने मिलेगी? अभी तो फिलहाल फिल्म चल रही है और बारिश की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो हमारे शूट थोड़े से पोस्टपोन भी हुए हैं। हम कर रहे हैं काम अच्छा, और आज जो सीन है आज वो है मनीष फातवा जी, जो कि गदर 2 फिल्म के जो मेन विलन हैं वो, और विभूति ठाकुर जो कि हमारी जानी मानी टीवी सीरियल के आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छा काम वो भी कर चुकी हैं, और रिया, और ये इनका आज हमारा सीन है ज़्यादातर, और काफ़ी इमोशनल सीन्स हैं। एंड ये सब लोग इतने परफेक्ट हैं अपनी एक्टिंग में। अभी मैंने देखा कि मनीष जी ने एक अपना शॉट दिया था, इट वॉज अमेजिंग, बेस्ट शॉट इट वॉज, और कह सकते हैं बहुत अच्छी कास्टिंग है, और गॉड ग्रेस से आप सबके आशीर्वाद से एक अच्छी कास्टिंग भी हमको मिली है। और रही बात फिल्म के फिडोरा जिंकल्स के रिलीज़ होने की, तो हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि ये फिल्म फेस्टिवल में जाए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाए, और हमारी फिल्म की जो थीम है जैसे कि मीट मिसेस चैंग की थी से नो टू रेसिज्म, तो ये जो हमारी फिल्म है फिडोरा जिंकल, दिस इज़ बेस्ड ऑन कर्मा, कि कुछ भी हो आपका कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता, आप सब कुछ आपको ही भुगत के जाना पड़ता है। तो अश्विन कौशल जी के डायरेक्शन में एक बहुत प्यारी सी फिल्म बन रही है। कब तक कंप्लीट होने वाली है? ये हमारी फिल्म सितंबर में ही कंप्लीट हो जाएगी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और मौसम ने साथ दिया तो, और फिर उसके बाद हमारा प्रमोशन होगा जो हमेशा हम थोक बजा के प्रमोशन करते हैं, वी विल स्टार्ट सून। एंड मुंबई रफ्तार हमेशा से हमेशा मेरा हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे इस प्रमोशन में भी हमारा हमेशा साथ देंगे। ये फिल्म को लेके क्या सपने हैं, क्या सोचे कि इसको ओटीटी पे लेके जाएंगे या खुद के प्रोडक्शन फीस पे करेंगे? फिंगर क्रॉस नेटफ्लिक्स के लिए, वी आर ट्राइंग बेस्ट कि ये हमारी नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म जाए, क्योंकि जो क्वालिटी है ये एक बहुत बड़ी फिल्म से कम नहीं है। सबका बेबी सबको प्यारा होता है, तो दिस ये फिल्म मेरे लिए एक मेरे बेबी की तरह है, और यहाँ पे हर एक छोटे से लेकर बड़े हर एक चीज़ का, हर एक चैलेंज का मैंने ध्यान रखा है। सो हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, इरम्स एंटरटेनमेंट को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हमेशा बात करें फिल्म बनाने के लिए एक टीम वर्क लगती है, मैं जानना चाहता हूँ आपकी टीम वर्क का थोड़ा किस तरह का सहयोग हो रहा है? सब बेस्ट है, प्रोडक्शन जो कहते हैं ना, एक प्रोडक्शन बनता है इरम्स एंटरटेनमेंट, एक पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर फैज अली वागले, पोस्ट प्रोड्यूसर मिस्टर फैज अली वागले, एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर जुनैद शेख, और इसके अलावा हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, हमारी कास्टिंग है, उसके अलावा आप कह सकते हैं हमारी एक बहुत अच्छी PR होती है, आप मुंबई रफ्तार से लेकर जितनी भी मीडिया है उनके थ्रू, और भी सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह सकते हैं कि एडिट पार्ट होता है, एडिटिंग पार्ट वो फैज अली वागले हमेशा देखते हैं, तो एक बहुत अच्छी टीम है हमारे पास, दीपक सेठी है हमारे साथ टीम में, हिमेश दीक्षित अब से लेकर ये सब लोग हमारी टीम में, साक्षी सावंत ऑल्सो, तो वी आर अ वेरी गुड टीम, और बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और बस ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। सिलेक्शन की तो बात ही नहीं आती, ये रोल उन्हीं के लिए बना है और मनीष फातवा जी तो बहुत ही मतलब खास एक्टर है हमारे लिए, क्योंकि चाणक्य जैसे इतना अच्छा मतलब उन्होंने रोल निभाया था, लोग हर जनता हमारी भारत की जनता उनको इतने अच्छे से जानती है, और थैंक्स टू अश्विन कौशल जी हमारे डायरेक्टर जो इनको लेके आए, और ही सच अ नाइस पर्सन ऑन सेट ऑल्सो, इतने प्यार से उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिया है, एंड अभी मैंने देखा अभी इनके फर्स्ट शॉट में ही मैंने इतनी तेज तालियां बजाई, एंड थैंक यू सर, थैंक्स ऑन बिहाफ, एंड अभी आने वाली फिल्म भी कर रहे हैं गदर 2, तो उसमें भी काफ़ी खास रोल है, तो मनीष सर थैंक यू सो मच कि हमारे फिल्म इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन की फिल्म जो फिडोरा जिंकल के आप बहुत अहम हिस्सा हैं, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी अच्छी कास्टिंग है, मैंने कहा ना मैं इतना इत्मीनान से हूँ ना दिल से कि हमें बहुत अच्छी कास्टिंग मिली, और इस फिल्म में ये अशोक का रोल कर रहे हैं जो, और सच बात है इसमें दिखाया जैसे बहकना जो दिखाया है ना उन्होंने, और जिनके जितने वेरियंट हैं कैरेक्टर के बड़ी बखूबी से निभाया है। थैंक यू सर। सर जानना चाहता हूँ फिडोरा जिंकल्स में आपको आज पहला लोकेशन शूट है जी, सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए उसके बारे में? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, सबसे पहले तो मज़ा आया कि बारिश बहुत थी, यहाँ पहुँचने में बहुत मज़ा आया, और यहाँ की लोकेशन, देन एटमॉस्फेयर, फिर प्रोडक्शन,
डायरेक्टर जो मेरे दोस्त हैं अश्विन जी, तो एंड द रोल ऑफ कोर्स जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सर कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, किस तरह का रोल आज अपने थोड़ा दिया है इसमें, कुछ उसके बारे में बताया? बहुत कुछ तो नहीं बताऊँगा वरना सब कुछ रिवील हो जाएगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहक जाता है, बहकने के बाद संभलने की कोशिश करता है लेकिन संभल नहीं पाता, जो जनरली मुझे लगता है आम इंसान के साथ होता है। बहकना तो बहुत आसान है, वो बहकना चाहे शराब की वजह से हो, औरत की वजह से हो, तो कुछ ऐसा ही है ये फेडोराज रिंकल्स में। तो देखिएगा, पर इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सर इस फिल्म के प्रोड्यूसर है इरम फरीदी जी, बहुत बहुत मुबारक हो उन्हें सबसे पहले कि उन्होंने एक अच्छा एक प्रयास है उनका, कि जिस तरह की सोच है कि एक तो ये सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा उस पिछले क्वेश्चन में कि कर्म, जिसको आजकल कर्मा भी बोलते हैं, क्योंकि कर्मा कर्म सब एक ही है, जो हम अपने कर्म करते हैं और वो उसकी उसका जो फल होता है वो कहाँ तक, इसी यहीं जन्नत है यहीं जहन्नुम है, यहीं मिल जाता है। हम सोचते हैं कि वहाँ ऐसा होगा, यहीं मिल जाता है, तो ये इट्स अबाउट कर्म। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है इरम्स प्रोडक्शंस की, इरम जी की, हमारे डायरेक्टर की, राइटर की, तो मैं उस कोशिश में छोटा सा एक पार्ट कर रहा हूँ कि मैं भी वो कोशिश कर सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज फिल्म का दूसरा या तीसरा दिन है जो कि, तो आज कैरेक्टर भी नए नए आए, तो कुछ उनके बारे में बताइए। फिडोराज रिंकल्स की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगस्त में हो गई थी और आज सितंबर में है हम लोग, और बारिश है ऑफ कोर्स, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इस चैलेंज के बीच में जब एक अच्छी कास्टिंग मिलती है, एक अच्छी फिल्म की शूटिंग होती है, तो सारे दुख दर्द इंसान भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ है विभूति ठाकुर, हाउ स्वीट, एंड थैंक्स टू मार्क जुकरबर्ग, बिकॉज इन्होंने सही बोला, क्योंकि फेसबुक ने बहुत लोगों को कनेक्ट कर दिया है, एंड आई एम डाइव हार्ड फैन ऑफ हर, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और एक अच्छी नृत्य भी है, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, शी नोज ऑल डांसर कंटेम्प्रेरी से लेकर, तो उसके साथ साथ इनकी एक्टिंग की मैं दीवाने हूँ, मैंने इनको काफ़ी टीवी सीरियल्स में देखा है, एंड जो कैरेक्टर मुझे चाहिए था उसमें ये बेस्ट हैं। तो मीता का रोल कर रही हैं और मैं पीछे पड़ी थी, नहीं मुझे विभूति ही चाहिए, एंड वी गॉट हर। कितने दिन का शूट और बाकी है और कहाँ कहाँ होने वाले बाकी के शूट? अभी है कुछ दिन और हैं, अभी बाकी हैं, और प्लीज़ प्रे करिए कि ये बारिश हमें हमारा साथ दे दे, कि थोड़ा सा इंद्र देवता थोड़ा हम पे मेहरबान हो, थोड़ा सा कम बरसिए, क्योंकि हमें काफ़ी काम करना है, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये जो सेट है यहाँ पे जो फिल्म की शूटिंग हो रही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जैसा हमें चाहिए था, सबके आप सबके आशीर्वाद से सब कुछ वैसा ही हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि फिडोराज रिंकल्स के जो डायरेक्टर हैं अश्विन कौशल, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और जल्दी हम शादीबाज भी स्टार्ट करेंगे। आपके शूट के कैरेक्टर में बताइए कि कौन कौन है आज सेट पे? हमारी जो काफ़ी जो कैरेक्टर से सुष्मिता मुखर्जी जो मेन लीड में हैं, और अली असगर, और इनके अलावा जो आज मौजूद हैं वो हैं विभूति ठाकुर जी और मनीष वाधवा जी, जो कि गदर 2 में मेन विलन बन के आ रहे हैं, तो ही इज़ ऑल्सो इन फिल्म, और अभी हमने एक वैसे भी उनका एक सीन देखा, एक शॉट में एक कट में उन्होंने प्रॉपर सीन दिया, तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि वी हैव अ सच अ वंडरफुल काम। जी फेडोरा रिंकल्स इरम एंटरटेनमेंट का है, और इस शॉर्ट फिल्म में मैं मीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और ये मीता कैरेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है, और मेरे हस्बैंड जो प्ले कर रहे हैं मनीष वाधवा जी, उनकी वाइफ मैं प्ले कर रही हूँ, और हमारी एक प्यारी सी बेटी है, और ये मीता कैरेक्टर अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स विद इरम्स एंटरटेनमेंट, आई एम वेरी हैप्पी। ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू आया इरम और मैं फेसबुक पे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत सालों से हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन काम नहीं कभी किया हमने, बस एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते देखते थे, मिले भी फर्स्ट टाइम से इस प्रोजेक्ट से, सो शायद मैंने एक कोई डांस वीडियो अपलोड किया था, तो इरम ने लाइक किया, और रात को 1:30 बजे मुझे फेसबुक के इनबॉक्स पे मैसेज किया कि विभूति आई हैव अ ग्रेट रोल फॉर यू
एंड यू हैव टू बी देयर इन माई प्रोजेक्ट. और मैं सुबह उठी, मेरा रात के 1:30 बजे इराम का मैसेज, एंड मैंने एकदम से थम्सअप किया, येस आई एम इन, लाइक बिना कुछ रोल के बारे में जाने कुछ भी, बिकॉज आई नो वेरी वेल थ्रू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू फेसबुक देन एंड थैंक्स टू इराम फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस रोल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. ये मेरे सारे सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं एंड इसके लिए आपको देखना पड़ेगा. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर. मैम, फिल्म के लेके ऑडियंस को और आपके फैन को क्या मैसेज? ये फिल्म एक मैसेज है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, और इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी दैट इट इज़ ए आर्टिकल या. एंड इसे डायरेक्ट किया है अश्विन कौशल जी ने, जिनके साथ मैंने एक सीरियल किया था, तेरा यार हूँ मैं, वो मेरे साथ को एक्टर थे, एंड फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हिम डायरेक्टिंग अ शॉर्ट फिल्म. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डायरेक्शन ऑल्सो. एंड ये फिल्म ऑडियंस को इसलिए देखनी चाहिए कि एक वुमेन से सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे, उसका पेन एंड द जर्नी ऑफ अ वुमेन, जो मैं अभी स्टोरी रिवील नहीं करना चाहूँगी, सो दे विल कम टू नो उस जर्नी के बारे में, उसके बारे में पता चलेगा. एंड इट्स अ प्योरली इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वी हैव गिवन इन दिस मूवी. कर्मा, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, कि लाइफ इज अबाउट कर्मा, फुल सर्कल कैसे होता है ये पिक्चर में दिखाया गया है. सो या फॉर दैट यू हैव टू वॉच. पूरे फिल्म के प्रोड्यूसर है इरम फरीदी, उनके लिए क्या पूछना है? शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ सच अ पॉजिटिव एंड इतनी, शी इज़ ऑल्सो लाइवली, शी हैज़ सो मच वॉर्म्थ. फर्स्ट मीटिंग ही हमारी जो ऑफिस में हुई थी, इतनी वॉर्म से उन्होंने वेलकम किया मुझे. एंड या आई जस्ट लव हर, आई लव हर एनर्जी, हर पॉजिटिव वाइब्स एंड द वे शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन सेट. माई गॉड, हैट्स ऑफ टू हर. थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज थिएटर ऑफ विंकल्स का ऑन लोकेशन शूट है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और कौन से कास्ट आज आए यहाँ पर शूट पर? फेडोरा और इंकल का मैं क्या बताऊँ, दैट्स द बहुत टाइम से हम शूट कर रहे हैं इसके लिए. दिस इज द सेकेंड शेड्यूल इज गोइंग ऑन, और काफ़ी अभी बहुत तकलीफ का शेड्यूल है, क्योंकि ये बारिश हमारा साथ नहीं दे रही है. बारिश बहुत कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और उसमें भी हम शूट कर रहे हैं, हम लगे पड़े हैं शूट करने के लिए. बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हैं. हर क्रू मेंबर लगा पड़ा है, भीग रहा है यहाँ पे सेट पे, सब चीज़ें हो रही है, आवन आ रहा है, जा रहा है, बहुत चीज़ें हो रही है. एंड सेकेंडली, आज कास्ट की बात करूँ तो आज मनीष वाधवा जी हैं आज हमारे साथ. मनीष वाधवा जी वो जिन्होंने चाणक्य कैरेक्टर प्ले किया है रिसेंटली स्टार प्लस के शो पे, एंड इज प्लेइंग अ वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी गुड बिग रोल ऑफ इन गदर टू, मेन विलन बन रहे हैं उसमें, वो है. फिर इसके बाद आज नीता के कैरेक्टर में विभूति ठाकुर है, जो काफ़ी सीरियल्स में आपने देखा होगा उनको. फिर रिया है, जो छोटी बच्ची जो आलिया पे हमारे प्ले कर रही है, वो भी काफ़ी सीरियल्स में आती है, जैसे काफ़ी क्राइम पेट्रोल, काफ़ी सीरियल्स में आती है. और आज अब बाकी और इंटरेस्टिंग कास्टिंग है उसमें, और जैसे कुछ सरप्राइज पैकेज है हमारे लिए आज के लिए. ये शूटिंग शुरू तो हो चुकी है, अब ख़त्म हो गई है, फ्लोर पर कब तक जाएगी? फिल्म शुरू तो हो चुकी है, येस आई एग्री, बट इसे अभी काफ़ी शेड्यूल बाकी है इसके फिल्म के, अभी और दो शेड्यूल बाकी है जो हम नाइट सिक्वेंस है अभी, और बारिश अब देखते हैं बारिश कब हमारा साथ देती है, क्योंकि बिना बारिश के भी हम टू शॉट दैट सीन्स, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स है हमारे फिल्म के. या बोलो. हाँ, अभी सवाल अभी ये है कि फेडर और इंकल हम जो कर शूट कर रहे हैं, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुंबई रफ्तार का और सहज भाई का, जो हमारे हर कॉल पर आ जाता है, और ये जहाँ भी शेड्यूल लगे वहाँ पर आ जाता है. तो थैंक यू सहज भाई एंड मुंबई रफ्तार, थैंक यू. आज हाय, मैं जुनेद शेख, एसोसिएट प्रोड्यूसर इरम्स एंटरटेनमेंट. आज हमारे इरम्स एंटरटेनमेंट के फेडोरा रिंकल्स का सेकंड शेड्यूल चल रहा है, और आज हमारा सीन्स बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बहुत ही मजे हुए कलाकार है मनीष वाधवा सर, जो कि अभी गदर टू में एज अ मेन विलन भी आ रहे, जो चाणक्य के नाम से भी फेमस है, और उनका सीन हो रहा है आलिया के, जो हमारी जो मेन लीड है आलिया, उनके बचपन का सीन सिक्वल हो रहा है पूरा यहाँ पर. और विभूति शर्मा भी है, जो टेलीविज़न की भी एक स्टार आर्टिस्ट है, और जो रिया है, जो बच्ची है, वो भी एक टेलीविज़न की जानी वानी आर्टिस्ट है.
उसके अलावा हमारे जो बाकी के सीन्स है फेडोरास के रिंकल्स के, वो भी अभी शूट होने वाले हैं शाम को। तो एम्प्लीमेंट ऑफ स्टार्स आज पूरे दिन है यहाँ पर। जुनैद भाई कितने दिन की शूटिंग बाकी है? ये अभी थोड़ा सा और तीन शेड अभी और दो शेड्यूल्स बाकी है इसमें। विल कम्प्लीट द फिल्म इन टू मोर टू शेड्यूल्स। क्या प्लानिंग किया है इसको, कुछ किस पे लेके जाने का प्लान? ये तो अभी देखो ये फिल्म जो है वो मल्टी स्टार है और जिसे हमारे जो डायरेक्टर साहब है सबसे मेन द कैप्टन ऑफ द शिप अश्विन कौशल भारती जिन्होंने फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। और आई कैन से जब बिकॉज आई वर्क विद सुभाष गाई सर तो जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे सुभाष गाई सर की मेरी याद आती है। और मैं हमेशा कहता हूँ अश्विन जी को, अश्विन जी आप का जो परफॉर्मेंस है जब डायरेक्ट करते हो जब आप करते हो तो सुभाष गाई सर की याद आती है मुझे। तो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, एक्टर तो माशाल्लाह ही है लेकिन डायरेक्टर भी बहुत बेहतरीन है। और जिस तरह से इन्होंने हमारी पहली फिल्म मीट मिस्टर चैंग भी बनाई है अमेजिंग, और ये फिल्म को जब जो जो मैं सीन्स देख रहा हूँ जो लेके जा रहे हैं ऑन टू अ मार्क, और शायद हम फेस्टिवल्स में भी लेके जाएंगे और हमारी OTT से भी बात चल रही है, OTT ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। मैं OTT का नाम नहीं लूँगा अभी कुछ आपके सामने, बट इमेज भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकेशन शूट है मैं आज का। शैलेश भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आज जो सेकंड शेड्यूल हमारा चल रहा है उसमें बहुत सभी लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर, सब बारिश में भीग के अच्छे से जो भी काम हो पा रहा है सारा काम हो रहा है। बस मैं ये चाहूँगा आज का शेड्यूल निपटे, आगे और भी जितने शेड्यूल्स हैं वो भी निपटे, यही होप रखना चाहूँगा। और सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अच्छा, अपने लेवल पर। आर्टिस्ट से याद आया जी, जो मेकअप करते आज वो चेंजेस हो गए, क्यों ऐसा? देखिए वो कुछ प्रोडक्शंस की तरफ से अपनी चीज़ें हैं उनके चलते हुआ होगा या उनके बीच में जो बातचीत रही हो, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी ये है जो भी चीज़ें चल रही हैं सब सही है। चलो इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ और आज क्या सीन किया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा। श्योर श्योर श्योर। So very first of all, this is Iram's Entertainment's Fedora's Wrinkle. Our producer is Iram Faridi ma'am and director is Ashwin Kaushal sir. So in this I am playing younger Alia, which is a very small sweet role. And very first of all I would like to thank our producer, our director who gave me this opportunity and really they trusted me that I can do this character, and of course I will. So this is what my character is about, younger Alia, who is very sweet, who is afraid of his father, who is afraid of Fedora. And this is basically a very nice and a very beautiful story, you must watch it. So this is what like basically what my character is, and really very very big thanks to Ram ma'am and also our director who really like gave this opportunity to me. It's a very nice role, nice film, so to watch it. Iram Faridi ki picture mein main ek nana ka role kaam kar raha hu aur us role mein mere ko acha chance mila aur ye chance mere ko 40 saal baad mila hai. 40 saal ke pehle hi maine 3 picturon mein kaam किया था लेकिन मेरी एक पिक्चर थी बॉम्बे लोकल ट्रेन, वो लोकल में चले गई, दूसरे ज़िंदगी के रास्ते थे उसके भी ज़िंदगी के रास्ते लग गए, और एक पैसा पैर था वो प्यासा ही रह गया अभी तक। अब 40 साल के बाद मेरे को पानी पीने मिला है, देखेंगे अब पानी पी रहा हूँ कि मैं इरम फरीदी के थ्रू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।